हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ, मैं आज क्या बनाने वाले हैं? आज बनाने वाले हम सफर पे ले जाने वाला कीमा। मतलब सामान, बैग वैग, कपड़े नहीं लेके जाने का, कीमा लेके जाने का? नहीं, ऐसा नहीं है। जो सफर में हम टिफिन ले जाते हैं उसके लिए हम बनाने वाले आज कीमा। बिना पानी के सूखा कीमा बनाऊंगी। जो सफर में 12 घंटा 24 घंटा हम रहते हैं तो बिना गर्म करे के ये अच्छा रहता है, खराब नहीं होता है। तो भाई ये कीमा आप लोग घर में मत खाना, सिर्फ सफर में लेके जाते टाइम ही खाना है। नहीं, हमारे घर में तो बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन एक बात है, इसको सफर का कीमा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ना ये बिना पानी के बनता है और सफर में हम गर्म नहीं कर सकते हैं ज्यादा देर तक। ये मतलब ये जल्दी खराब नहीं होता है, इसीलिए आप सफर में ये लेके जा सकते हैं। ऐसा ना, हमें अपन भी गांव जाते थे सिटी जाते थे सिटी अच्छा औरंगाबाद सिटी जाते थे हमारे सिटी जाते थे तो हम भी टिफिन में लेके जाते थे। रस्ते में खाने के लिए सूखा कीमा बना के लेके जाया करती थी। अब तो नहीं लेके जाते भैया, आप तो सब बाहर से ही ले लेके खा लेते हैं। बहुत से लोग आज भी अपने घर से टिफिन खोल के ही ट्रेन में खाते हैं। जैसे हम लोग अजमेर जाते हैं, अभी देखो अजमेर का उरूस भी है। तो भाई बहुत से लोग अगर सफर में कुछ लेके जाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो हमारा मटन का कीमा भी आप बना के लेके जा सकते हैं। मैं यही बोलने वाला था, हमारे सफर में कभी जाते ना तो ये कीमा जरूर लेके जाते हैं। चलो फिर नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे कि आज हमें मटन का सफर वाला कीमा बनाने के लिए क्या क्या लेंगे। चलो तो सबसे पहले लेंगे हम मटन का कीमा। प्याज, टमाटे, लहसुन, अदरक, पुदीना, कोतमीर, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्ची, नींबू। खड़े गरम मसाले में हम लेंगे शाहजीरा, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज पत्ता, फूल और दालचीनी, काली मिरी। यहाँ लेंगे हम हल्दी की बुक्की, धनिया की बुक्की, मिर्ची की बुक्की और जीरे की बुक्की। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो यहाँ पर हमने टोप चढ़ा दिए है गर्म होने के लिए। इसमें हम डालेंगे तेल, ठीक है? में तपेली, तपेली, पतेली जो बोलना है वो बोलो। बहुत कमेंट आ रहे हैं, आंटी टोप क्यों बोलते हैं? अच्छा पतेली बोलूं, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने डाल दिए तेल। तपेली नहीं बोलते बेटा, पतेली बोलते हम थोड़ा सा तेल गर्म होने देते। तो यहाँ पर हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम डालेंगे इसमें खड़े गर्म मसाले। 2 इलायची डाली हूँ मैंने, 4 हरी इलायची डाली हूँ, 4 लौंग डाली हूँ, यहाँ पे 15 से 20 काली मिरी डाली हूँ। गरम मसाले का भी इसमें अलग ही फ्लेवर आएगा। दालचीनी के 2 टुकड़े, 1 फूल, यहाँ पे डालेंगे हम 2 से 3 तेज पत्ते और आधा चम्मच शाहजीरा। इसकी खुशबू तेल में अच्छे से तड़कने देना, ठीक है? जब खुशबू आने लगेगी तभी ही इसमें ये बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करना। इसके अंदर हम अदरक भी बारीक कटे हुए ऐड कर ले रहे हैं। इसकी खुशबू एक अलग ही होती है गरम मसाले की और अदरक लहसुन की, और इसकी हल्की हल्की सी बाइट भी आती है मुंह में, ठीक है? अब हम डालेंगे इसमें ये प्याज। यहाँ पर प्याज मैंने अच्छी खासी ली हूँ, 1/4 किलो प्याज मैंने पूरी बारीक कट करके ली हूँ, ठीक है? यहाँ पे जो हमारा कीमा है वो है 350 ग्राम, ठीक है ना? इसमें मैंने 1/4 किलो प्याज और 1/4 किलो टमाटे ली हूँ। हम यहाँ पे सूखा बना रहे हैं, सिर्फ प्याज और टमाटे का जो पानी है इसी में हमारा कीमा पकेगा। कीमे का पानी, टमाटे का पानी, प्याज का हल्का सा गीलापन, इसी में हमारा पूरा हमको बनाना है कीमा। अब हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट मैंने अच्छे से पका ली हूँ प्याज को। अब क्या करेंगे हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्ची, ठीक है? यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हरी मिर्ची 4-5 कट करके, और इसके अंदर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे आप नोट करो कि मैं ना अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर रही हूँ और कटे हुए अदरक लहसुन भी यूज़ कर रही हूँ, ठीक है? क्योंकि हमारे के पास ज़्यादा है। ज़्यादा नहीं है बेटा, ये अच्छे से सूखा बना रहे ना तो इसका फ्लेवर अच्छा आना चाहिए। और एक बात, ये कीमा बनाने के लिए आप मोटे तले का ही टोप लेना, क्योंकि हम इसको भून भून के बनाते हैं। इसको कम से कम हम 10 से 20 मिनट पकने के बाद भूनते हैं सूखा करने के लिए, तो वो जल सकता है। इसके लिए मोटे तले का या मोटे पेंदे का, जो भी बोलते हैं आप, वो टोप ले लेना, ठीक है? पतेली पतेली
तो यहाँ पे मैं इसको पका ली अभी एक मिनट के लिए अदरक लहसुन डाल के, ठीक है। यहाँ पे हरी मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से डालना, आप जितना तेज खाते हैं। अब हम इसमें बारीक कर देंगे, ये स्लो कर देंगे गैस को। वाह, गैस को बारीक कर देंगे। और यहाँ पे हम डालेंगे अभी हमारे सूखे मसाले, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं डालूंगी आधा चम्मच हल्दी की बुक्की, एक चम्मच मिर्ची की बुक्की और कश्मीरी लाल मिर्ची एक चम्मच, जीरे की बुक्की एक चम्मच, धनिया की बुक्की दो चम्मच, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा तेल में भून लेंगे प्याज के साथ ही मसाले को एक मिनट के लिए। तो यहाँ पर एक मिनट के लिए मैंने अच्छे से सूखे मसाले भून ली हूँ। अब हम इसमें ऐड करेंगे कीमा। ये कीमा मैंने एक दिन पहले लाई थी, इसको धो के अच्छे से छन्नी में पानी निकाल के इसको फ्रिज में हमने रख दिए थे। अभी मैं इसको फ्रिज से एक दो घंटा पहले निकाल के रख ली थी, ठीक है। आप ताबड़तोड़ भी ला के पका सकते हैं। कितना है? 350 ग्राम। 350 ग्राम कीमा है। अब हम डालेंगे इसमें नमक। नमक मैं मेरे हिसाब से डाल रही हूँ, आप लोग अपने हिसाब से डालना। और नमक पहले थोड़ा कम ही डालना, क्योंकि जो कीमा है, ये जो मैंने इतना सारा प्याज ली हूँ, टमाटर ली हूँ, ये आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। ये सूख सूख के इतना सा कीमा बनेगा ना, आपको खुद दिखाऊंगी मैं अभी लास्ट में ये कीमा कितना बनेगा। अभी मैं 2 मिनट तक इसको अच्छे से पकाऊंगी ढक के प्याज के साथ, फिर उसको भूनूंगी। तो यहाँ पे 2 मिनट हो गए हैं पक के, देख रहे हैं आप लोग पूरा तेल चरचर चरचर कर रहा है। अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगी, गैस कर दूंगी एकदम स्लो करके। अभी इसका पानी और निकलने दूंगी, कीमे का पानी अभी और निकलेगा। और अभी इसको मैं 5 मिनट तक इसी तरीके से बिना कुछ अभी डाले के इसको ढक के पकाऊंगी 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे एकदम। तो यहाँ पर 5 मिनट मैंने अच्छे से धीमी आंच पे इसको पका ली हूँ। कीमे का पानी अच्छे से सूख चुका है ना। इसके लिए बोली थी मैंने कि अच्छे से मोटे तले का बर्तन इसको लगता है, क्योंकि इसको भूनना बहुत पड़ता है और धीमी आंच पे पकता है ये कीमा। यहाँ पे कितनी प्याज डाली थी मैं देख रहे हैं आप लोग, सारी प्याज गायब हो गई। और ये मशीन का कीमा है, पकते पकते आराम से हमारे टमाटे प्याज गले तक कीमा पक जाएगा। अब यहाँ पे हमने मटन का जो पानी है वो अच्छे से, हमें कंफ्यूज है, तुम क्या हो गया? नहीं कुछ कंफ्यूज नहीं है, मटन का जो पानी है वो सूख गया है। अब डालेंगे हम इधर टमाटे। अब यहाँ पे मैंने जो 1.25 किलो टमाटे डाली हूँ, इससे हमारे कीमे का जो स्वाद है वो बढ़ जाएगा। अब इसको मैं गैस करूँगी थोड़ा सा फास्ट, जब से मैं स्लो आंच पे पका रही थी। अब टमाटे डाली हूँ तो थोड़ा सा मीडियम आंच पे रखेंगे 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, ताकि हमारे जो टमाटे हैं वो सॉफ्ट हो जाए। जब टमाटे सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर मैं इसको पूरा 10 मिनट और धीमी आँच पर पकाऊँगी, ठीक है। पहले मैं आप लोगों को 2 मिनट के बाद खोल के दिखाऊंगी। हमारे टमाटे सॉफ्ट होने के लिए हम रख दे रहे हैं 2 मिनट तक। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो गया है टमाटे ऐड करके। टमाटे हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, है ना। अब क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे हमारी थोड़ी सी कोथमीर पुदीना। पक्का थोड़ा सा ना? हाँ, तो लास्ट में डालेंगे ना थोड़ा सा। अब डालेंगे थोड़े से पुदीने, इसकी खुशबू बड़ी मस्त आती है कीमे में। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं इसको आराम से ढक के 10 मिनट पकने दूंगी। जो ये टमाटे का पानी है ना, ये पूरा सुखाएंगे हम, ठीक है। बस हो गया तैयार? नहीं तैयार नहीं हुआ अभी। 10 मिनट के बाद इसका पानी सूखेगा, फिर उसके बाद 10 मिनट हम ढक्कन हटा के इसको आराम से स्लो आंच पे भूनेंगे। तो यहाँ पे 10 से 12 मिनट हो गए हैं पकते पकते। यहाँ पे मैंने एक बार ढक्कन हटा के अच्छे से हिलाई थी इसको। अब यहाँ पे हम ढक्कन बिल्कुल भी नहीं ढकेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा टमाटे का भी पानी अच्छे से सूख चुका है ना। मटन का पानी सूख चुका है, टमाटे गल चुके हैं। अब यहाँ पर मुझे पूरा यहाँ पे 10 मिनट तक धीमी आंच पे इसको भूनना है।
हिला हिला के पकाना है मुझे इसको और सुखाना है। अभी हाथ नहीं रुकेगा हमारा, पकाते पकाते हम हिलाते रहेंगे क्योंकि अभी हम यहाँ ढक्कन बिल्कुल भी नहीं ढकने वाले हैं और इसमें पानी नहीं है तो ये जल सकता है, नीचे पकड़ सकता है। इसके लिए अभी हमको इसको हिलाते हिलाते ही 10 मिनट पकाना है। तो मैं कितने 10 मिनट बोलिए कितने बार पका लिया? अरे कम से कम इसको पूरा मैं 45 मिनट्स पकाऊंगी। मैं इतने देर में ट्रेन छूट जाएंगी, सफर ही नहीं हो पाएगा अपना। एक घंटा पूरा लगता है कीमा बनने के लिए, मालूम है आपको, सुखा सुखा के पका पका के, जब भी तो आप पूरा 24 घंटा खा सकते हैं ना। और एक घंटे के अंदर छूट गए ट्रेन तब? ये तो अभी मैं फिर भी 350 ग्राम बना रही हूँ। इसका जाता है ना बाहर, ये अजमेर वगैरह या बाहर दोस्तों के साथ, तो माशाल्लाह मुझे आधा किलो कीमा पूरा बांध के देना पड़ता है, वो इतना ही बनता है सूखने के बाद। ऐसा लास्ट टाइम मैं नान भी दे दिया थे। हाँ मैंने घर में छोटे 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 नान पूरी बना के इसको टिफिन में दी थी, मैं बोली खा लेना मत, शौक से खाए थे। धुआं आ गया पूरा स्क्रीन पे, देख देख मस्त खुशबू कितनी अच्छी आ रही है, देखना मेरे। इसके लिए ये भूनने के लिए, ये पकाने के लिए बिना पानी के बोली थी मैंने कि मोटे तले का ये टोप लेने का, क्योंकि ना जल सकता है, क्योंकि हम इसमें पानी ऐड नहीं कर रहे हैं ना इसके लिए। तो यहाँ पर 10 मिनट मैंने अच्छे से हिला हिला के भूनी हूँ, मेरे भी हाथ दुख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो तेल छूट गया है ना हमारे कीमे का अच्छे से, यानी कि यहाँ पर हमारा कीमा हो गया है रेडी, देख रहे हैं आप लोग। इसको इतना सूखा बनाना पड़ता है, लेकिन हाँ इतनी मेहनत का जो है ना रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, खाने में एक नंबर लगता है। यहाँ पे आके आप चेक कर लेना नमक वगैरह। इसमें डालेंगे हम नींबू, हाय हाय हाय, किस किस से मुंह में पानी। हाँ एकदम मस्त वाला, मस्त रस वाला नींबू है माशाल्लाह। ये कि मैं ऐसे ना रोटी पराठा पाव किसके भी साथ खाओ मजा आ जाता है। अब यहाँ पे हम डालेंगे कोथमीर, फिर से यहाँ पे हम डालेंगे थोड़े से पुदीने के पत्ते। अब इसको मैं हिला लूंगी। वाव हो गया तैयार, एक नंबर। इसको मैं अभी जरा 10-20 सेकंड हिला रही हूँ क्योंकि हमने इसमें नींबू और कोथमीर डाले ना इसके। तो यहाँ पर हमारा कीमा हो गया है रेडी, सफर का कीमा तैयार। अब इसको आप 24 घंटे के सफर में आराम से लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम गैस करेंगे बंद और इसको अभी ढक के मैं रखूंगी 1 मिनट के लिए, फिर हम सर्व करेंगे। तो दोस्तों तैयार हो गया अपना सफर का कीमा मटन वाला, ये क्या मस्त बनाया ना मैं, ये ना मेरी बोलते ना फेवरेट डिश में से एक है ये कीमा, मुझे बहुत अच्छा लगता है खाने में। लो तेरी पहले ना घर में सबको पसंद है, पहले अम्मी ना हफ्ते में एक बार तो बनाते ही थे, वो अलग बात है इतना सी मिलता था लेकिन बनाते ही थे, आता था ना तो इतना सा ही मिलेगा, ये कोई इतना सारा नहीं बनता है लेकिन मेरे को तो इतना सी मिलता है। अभी तो बहुत कम हो गया भाई, जो भी कोई सफर में देखो जो नॉनवेज मिस करता है, अभी देखो वैसे मैं बोल रहा था जो नॉनवेज मिस करता है तो वो अपने घर पे बना के सफर के लिए लेके जा सकता है खाने के लिए, लेकिन मैं ये दूसरी चीज बोल रहा था कि तो मटन है, अब मटन बहुत से लोग खाते भी नहीं है। हाँ। तो चिकन का भी क्या कुछ ऐसा सफर का कीमा बन सकता है? बन सकता है जो मतलब टिके 24 घंटा बन सकता है। तो भाई कमेंट्स करना कि अगर आपको ऐसा कीमा लंबे टाइम तक चलने वाला चिकन का चाहिए तो कमेंट्स करना, अम्मी जरूर बनाएगी। हाँ और इसका जो है ना तेल, आप ये बनाते हो ना सफर का कीमा, इसमें तेल छूटे तक पकाना, उसके बाद क्या होता है आप एक साइड करके कीमे को रख देंगे ना तो आपका तेल पूरा एक साइड उतर जाएगा, तो आप वो कीमे को पार्सल बांध देने का और समझे। टिफिन में पैक करने का तरीका भी अम्मी का अच्छा है, लोग क्या टिफिन में डायरेक्ट कीमा डाल देते, वो बैग में डाल देते, वो बैग में से तेल मतलब टिफिन में से तेल निकल के बैग और कपड़ों में लगता है ना। हाँ। अम्मी क्या करते हैं जो दूध की थैली आती ना खाली वाली छुट्टी, हाँ, ये कीमा उसमें डालते और थैली को गांठ मारते और फिर डालते हैं टिफिन में। उससे क्या होता है ना बच्चों का बैग कुछ खराब नहीं होता। मैंने लोगों को स्कूलों के टाइम पे भी वैसा ही बांध के दी, इनकी जॉब के टाइम पे भी वैसे ही बांधती हूँ, सफर करने के टाइम भी वैसा ही बांधती हूँ। कीमा देखो क्या मस्त दिख रहा है, हाँ 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 ऐसा कीमा ना बहुत से लोगों को पसंद आता है। ओहो कीमा भर के ले लिया अपन ने, आओ बिस्मिल्लाह करते हैं, मस्त सफर तो भी कर रहे हैं खा लेते हैं। इसका तेल भी अलग हो जाता है, बहुत से लोग बोलेंगे अभी इतना तेल है तो सफर में कैसा लेके जाए, तो तेल करने का तरीका बहुत इजी है। ये देखो मैंने खाली प्लेट में निकाली हूँ तो तेल अलग हो गया ना, अपने आप पकने के बाद इसका तेल अलग हो गया। यम है हम,
आप कढ़ाई को टेढ़ी करके रख दीजिए या टोप कर एक साइड कीमे को कर दीजिए, आपका तेल पूरा एक साइड हो जाएगा। फिर वो कीमे को आप बैग में थैली के अंदर हल्की सी गांठ मार के डब्बे में पैक कर लीजिए। इसका टेस्ट भी इतना अच्छा होता है ना, और खाने में मजा आ जाएगा। इसको सफर में आप झूठा रोटी निकालेंगे, रोटी से निकालेंगे तो ये खराब हो जाएगा। उसको निकालना भी बहुत आराम से सूखे चमचे से, झूठा हाथ नहीं लगाना। मम्मी अब ये बताओ कि ये क्यों है सफर का कीमा, क्यों ये 24 घंटे चलता है? क्योंकि हम इसको तेल में भून भून के इसका पूरा पानी, इसका मोचक सुखा देते हैं। और इसमें एक अखा नींबू निचोड़ लेना ले जाने के टाइम, नजर नहीं लगे। नहीं, नींबू का रस डालने से भी चीजें खराब नहीं होती है। अच्छा अच्छा, इसलिए इसको पहले इसका पानी पूरा सुखा लेना, तेल अलग हुए तक भून लेना। जितना आप 5 से 10 मिनट ज्यादा भून लेंगे चलेगा, कम मत भूनना, ठीक है? लेकिन फिर बोल रही हूँ मोटे तले के बर्तन में ही, नहीं तो आपका कीमा पूरा जल जाएगा। फिर बोलेंगे आंटी आपने बोले थे बिना पानी के बनाओ तो अच्छा बनेगा। नहीं, इसमें हाथ की मेहनत भी लगती है, बिना पानी के हमको इतना भूनना। एक घंटा लगा बनने में, इतने में सफर छूट गया था, फिर तेरे घर का कीमा हो जाएगा। अरे तो तुम्हारी गाड़ी 8 बजे रहती तो आपके 8 बजे पकाने खड़ते क्या? सुबह से ही तैयारी शुरू हो जाती है ना, काट वाट के रख लेने का, पूरा तैयारी कर लेने का। आपकी गाड़ी जब भी है, जब आप घर से निकलने वाले हैं उसके 2 घंटे पहले बना लेने का। जरूरी नहीं है ना वही टाइम पे बनाने खड़े रहो, क्योंकि आधा घंटा इसको ठंडा होने भी देना पड़ेगा ना आपको। आप गरम गरम भी एकदम थैली में पैक नहीं करना, क्योंकि गरम गरम चीजें भी पैक करने से खराब हो जाती है। इसको पहले थोड़ा ठंडा होने देना, तेल अलहदा होने देना, उसके बाद ही आप इसको थैली में या टिफिन में पैक करना। तो ये आपका सफर का कीमा बहुत लंबे समय तक खराब नहीं होगा, अच्छा रहेगा, ठीक है? वाओ, देखो मैं बात कर रहा था, यहाँ पे साफ हो गया, मजा आ गया। काली में जाते हैं तो मजा नहीं आता। हाँ, लेकिन उसका टेस्ट इसमें आता है तो बड़ा मजा आता है। देखे, अगर आपको काली मिरी वगैरह इस तरीके से नहीं चाहिए तो आप एक काम करना, आप तेल में पूरे खड़े गर्म मसाले डाल देना, अच्छे से चटकने देना, उसको पूरी तरीके से तेल में फ्लेवर आ जाने देना। उसके बाद कबगीर से उसको अलायदा कर लेना, निकाल लेना अलग तेल में, मतलब पूरा फ्लेवर आ गया तो वो आपके कीमे में पहुंच जाएगा। और ऊपर से एक गर्म मसाला चम्मच भुक्की भर के डाल देना। मैंने इधर भुक्की का यूज नहीं करी हूँ, आपको अगर और चाहिए तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने खड़े गर्म मसाले इतने डाली हूँ कि फिर और डालूंगी तो सीना जलने लगेगा, इसके लिए मैंने नहीं डाली, ठीक है? हाँ, और जरूरी नहीं भाई सफर पे जाने वाले ही खाओ, घर पे ही बना के खा सकते हैं। साहब, अरे घर पे अगर आप एक बार बनाएंगे ना, आप बार बार बना के खाएंगे। सही में ये कीमा ऐसा है ना, रोटी पराठा पाव नान के या फिर दाल चावल के साथ भी खाओगे ना, बहुत मजा आ जाएगा आप लोगों को। अरे दाल चावल के बिगर भी खा लो, सिर्फ सूखे चावल में ये सूखा भी खाने में मजा आती है। ये बनाती हूँ ना तो इसके बाद दाल नहीं लेते, ये बोलते खाली कीमा दाल मेरे चावल पे, लेकिन चावल गरम गरम रहना चाहिए, बड़े मजे से खाते। तो भाई वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दो। जो हमारे चैनल पे नया है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया, तो गाइस प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और सफर के ये सफर के कीमे को भी आप शेयर करिए, बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और कीमे बहुत किस्म के बनते हैं, कोई फ्रेंड में प्लान बन रहा ना कहीं घूमने जाने का तो उसको हमारी रेसिपी भेज दो भाई, कीमा बना के लेके आना। ये अजमेर शरीफ का फेवरेट है इसका, अजमेर शरीफ जाएगा तो पहले बोल देता पराठे तल दो, कीमा बना दो मेरा। तो ये बोल रही थी मैं आप लोगों को कि ये कीमा अगर आपको अच्छा लगा हो तो कीमा बहुत तरीके का बनता है, और कौन से तरीके का कीमा चाहिए मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, मैं वो भी बना के बताऊंगी। और शादियों वाला कीमा आजकल बहुत चिकन है। शादियों वाला चिकन का कीमा, सच बोल रहे हैं, बहुत ट्रेंड हो गया है अभी, जैसे होता है ना शादी वाला चिकन कोरमा, शादी वाला ग्रीन चिकन का सालन, अभी हमारे मुंबई में ट्रेंड चल रहा है। मालूम क्या, दाल रोटी चिकन चावल कोरमा, एक चिकन का सालन और एक चिकन का कीमा, बहुत चल रहा है। कमेंट्स करना अगर किसी को भी शादियों वाला चिकन का कीमा चाहिए तो हम वो भी जरूर बनाएंगे, जरूर बनाऊंगी मैं। चलते हैं। तो भाई जाने से पहले मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, इंस्टाग्राम की आईडी स्ट्रीट फूड जायका, मैंने मेरे कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर दिया, तो उसको ओपन करो और फॉलो करो। चलते हैं। फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के अल्लाह हाफिज़, बाय। दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना।